आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में खासकर यहाँ जो है औरतों की भीड़ है जो दीप जला रही है। 51,000 दीप जलाया गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत पिपरा घाट पे स्थित त्रिवेणी संगम के निकट। आपको बता दें दर्शकों, ये त्रिवेणी संगम है जहाँ कमला नदी के आरती के साथ 51,000 दीप प्रज्वलित किया गया है। ये बता दें कि ये जो दीप प्रज्वलित और जो का जो कार्यक्रम है ये नीरा फाउंडेशन के द्वारा पिछले 3 साल से करवाया जा रहा है। हम देखिए बात करेंगे कि यहाँ जो व्यवस्थापक हैं, जो पूजा कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह कब से कराया जा रहा है और यहाँ कहाँ कहाँ के लोग शामिल होते हैं। दर्शकों ये भी बता दें कि आज जो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है इसका उद्घाटन जिला समाहर्ता मधुबनी ने अपने हाथों से किया है। क्या है अपना? सुनील कुमार मंडल, जिला विश्वत्री सदस्य। ये कमला आरती और 51,000 दीप प्रज्वलित किया जाता है, कब किया गया है, ये कब से ये प्रथा चल रही है? देखिए ये 3 साल से चल रहा है। पहली बार 1100 दीप जलाया गया था, फिर पिछली बार 11,000 दीप जलाया गया था। 1 महीना का कल्पास मेला लगता है। इस बार 51,000 दीप जलाया जा रहा है नीरा फाउंडेशन के तरफ से, और जो हमारे हनुमान मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, हम लोग मेला कमेटी के सदस्य सभी लोग माने लगभग 1 सप्ताह से लगे हुए हैं इसको सफल बनाने में। तो आज हमको लगता है जो इस जगह की महत्ता है कमला बलान और सोनी त्रिगमी संगम तट का, हमको लगता है कि आज सरकार तक ये बात जरूर पहुँचेगी। और जो हम लोगों का चिर परिचित बहुत दिनों से मांग है कि इस स्थान को, इस त्रिवेणी संगम तट को महोत्सव का भी दर्जा नीरा फाउंडेशन मांग किया है और हम लोग राजकीय मेला का दर्जा का मांग करते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा मेला जो 1 महीने का कल्पास मेला से शुरू होता है और लास्ट कार्तिक पूर्णिमा मेला तक जाता है, तो ये हम लोग माने निवेदन करते हैं सरकार से कि इसको किसी भी तरह से राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। और मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि आज हमको एक विधानसभा का चिट्ठी मिला है जिसमें यहाँ शब्दागिरी बनेगा दोनों साइड, दोनों बगल में। ये स्थान पिपरा मधुबनी जिला का ये पिपरा घाट त्रिवेणी संगम चूज कर लिया गया है। और जो इसकी महत्ता है, चूँकि आपके बगल में राजा बलिगढ़ है, उसके आंगन में ये त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम के आंचल में आज 51,000 दीप जल करके दीपो उत्सव मनाया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार मंडल और हम मेला कमेटी के सदस्य हैं। जी, ये मेला कमेटी के जो सदस्य हैं, आप उसमें क्या है सदस्य हैं और भी इसमें कुछ अभी बैठक नहीं हुई है, अगले बार सेक्रेटरी थी। और हम आप बताया कि आज जो प्रोग्राम है नीरा फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है, जैसा कि बताया गया है कि पिछले 3 साल से हो रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ के लोग जो है भक्तगण यहाँ आए होंगे? यहाँ पर नेपाल से, उसके बाद बंगाल से, रांची से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेला लगता है, बहुत बिन लगाए मेला लगता है, ढेर सारा लोग रहता है, भीड़ कंट्रोल रहता है। त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करते हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव हो गया, मेला कमेटी के हम सदस्य हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में खासकर यहाँ जो है औरतों की भीड़ है जो दीप जला रही है। 51,000 दीप जलाया गया है और यह दीप जलाने से पहले जो है कमला आरती की गई है, जहाँ जिला समाहर्ता और जिला पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि यह जो है दीप प्रज्वलित किया गया है, कुल 51,000 दीप प्रज्वलित किया गया है और यहाँ हजारों की तादाद में खासकर महिलाएं हैं और जो दीप प्रज्वलित में लगी हुई हैं, मर्द भी हैं, पुरुष भी हैं। ऐसा जानकारी मिली है कि यह पिछले 3 सालों से यह जो है दीप प्रज्वलित करने का काम यहाँ किया जा रहा है। पुलिस कप्तान मधुबनी और यहाँ के जो जिला समाहर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। हम बता दें यहाँ के हजारों हजार के भीड़ में पुरुष और औरतें मौजूद हैं जो यहाँ दीप जलाने का काम कर रही है। 51,000 दीप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारा को देखकर आकर्षित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह त्रिवेणी संगम तट है जो मधुबनी जिला, बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत पिपरा घाट पे मौजूद है। यहाँ मेला समिति और नीरा फाउंडेशन के द्वारा यह प्रोग्राम कराया जा रहा है।
आइए बात करते हैं जिला समाहर्ता मधुबनी से, जो कि मिनी संघ कम तट पे आए थे और यहाँ 51,000 जो है दीप जलाया गया। क्या क्या जानते हैं सर? आप मिनी संघ तट पे आए हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सौभाग्य है हम लोगों को आप लोगों के यहाँ समिति के द्वारा आमंत्रण दिया गया था कि दीपोत्सव मनता है बहुत खूबसूरत, और पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा मनाया गया था, तो वही आज हम लोग देखने आए हैं। इस अवसर पे उपस्थित सभी मधुबनी जिला वासियों को मैं आज धनतेरस का पर्व है उसकी भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और आगे दिवाली और छठ का पर्व भी आने वाला है उसकी भी ढेर सारी मैं शुभकामना देता हूं, और मैं यही अनुरोध करूँगा सभी लोग दीपोत्सव है इसका लुत्फ उठाएँ, और जो आगे आने वाले त्यौहार हैं बहुत शांति ढंग से बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग मनाएं, मेरी यही शुभकामना। धन्यवाद सर। आइए हमारे साथ पुलिस कप्तान भी हैं सर, उन सर से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं सर। स्वागत है सर, आप त्रिवेणी तट पे आए हैं आज, 51,000 जो है यहाँ दीप जलाया गया है और कमला आरती भी की गई, सर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको सर? ये 51,000 दीप आज जलाया जा रहा है, काफ़ी भव्य लग रहा है, एक साथ इतने दीप जल रहे हैं और इसके अलावा महाआरती होनी है, बहुत ही भक्तिमय माहौल है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आ करके इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। धन्यवाद सर, हम स्वागत कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। रणधीर खन्ना, जिला परिषद सदस्य 34 बाबूबरी, भाजपा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा मधुबनी। बहुत ही पावन दिवस है, धनतेरस की शुभकामना के संग माँ जानकी की पावन भूमि पर त्रिवेणी तट पर आज दीपोत्सव कार्यक्रम हो रही है। प्रभु श्री राम और माता जानकी के सम्मान में यह जो दीपोत्सव है, सभी श्रद्धालु भक्त को स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि माँ जानकी और प्रभु श्री राम की कृपा सभी भक्तों पर बना रहे। आज हम लोगों के लिए हर्षोल्लास की समय है, इस पावन भूमि त्रिवेणी तट पिपरा घाट बाबूबरही में दीपोत्सव के अवसर पर हम लोग उपस्थित है। सभी श्रद्धालु भक्त को वंदन अभिनंदन, जय श्री राम, जय माँ जानकी। एक दीप 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 मांगे संतोष भाई कैसे हो? तेजा बेरा बेरी को कहो सब गोटा जो छे से संतोष जी है और करतल ध्वनि सर छोटा एक स्वागत, और एक बाद हमरा सब 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 कार्यक्रम के आगा बढ़ा एक बेर जोरदार छोकरी से माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्वागत। एसपी साहब के सेहो पाक दुक्ता दक स्वागत करिए। एक बेर छोकरी लगातार गुंजयमान होते रहबाक चाहिए। हमर मुखिया जी के बड्ड मेहनत कल है, मुखिया जी के सो तो यहाँ के अपन बेटा छे तो हिंदा लेल तो छोकरी हवा के चाहिए। स्थानीय हर्षोपुर में अहाँ के संग श्री संतोष झा जी के पास दोपटा पहरा कर स्वागत राजीव जी कह छोकरी हिंदू लेल। एक बाद श्री रणधीर खन्ना जी के श्री सुनील मंडल जी के सब गोटा के से बाग बट्टा पहरा कर अपने सब स्वागत करिए, और जिलाधिकारी महोदय के इच्छा छन जे हमरा सब दीपोत्सव देखे ला एलो हैं, तो मंच पर बेसी काल समय हम सब नहीं देवे, तो मुखिया जी दीप जरेनाइ जे छै से हम सब शुरू करी। हाँ, जे कार्य चलो।